मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये या निर्णयानंतर देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मी त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार देखील मानतो की कुठलाही अभिनिवेश न आणता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारण्यात आलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये ही जी काही परंपरा आहे त्या परंपरेचं पालन करत सर्व लोक शांतता प्रस्थापित ठेवतील. विविध समाजांचे धर्मांचे काही सण देखील येणार आहेत, ते देखील शांततेत आणि उत्साहाने सर्व लोक साजरे करतील आणि निश्चितपणे माननीय पंतप्रधानांनी जी भावना व्यक्त केली आहे भारत भक्तीची, मला असं वाटतं की या निर्णयानंतर तोच भाव भारतामध्ये तयार झालेला आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे जे तत्व आहे त्या तत्वानुसार नवीन भारताकरता सर्व लोक एकजुटीनं या निर्णयाचा सन्मान करतील हा विश्वास मी व्यक्त करतो आणि या निर्णयाचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत करतो. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने श्री राम जन्मभूमी के मामले में जो निर्णय दिया है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं. भारतीय लोकतंत्र की जो उच्चतम परंपराएं हैं वो परंपराएं इस निर्णय के कारण और मजबूत होगी ऐसा हमारा मानना है. ये निर्णय किसी के ओर से या किसी के विरोध में इस प्रकार से इसका विश्लेषण नहीं हो सकता. भारतीय अस्मिता के जो प्रतीक है और उनके बारे में जो आस्था है वो आस्था इस निर्णय के कारण मजबूत होगी और हमारी जो परंपरा है इस देश में सभी समाजों को साथ में लेकर सभी धर्मों के सभी पंथों के सभी जातियों के साथ लोग एक साथ मिलकर इस देश को महान देश बनाए मैं ऐसा मानता हूं कि उस नव भारत के निर्माण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है उस पहल के अनुरूप यह निर्णय भी एक मील का पत्थर साबित होगा. मैं महाराष्ट्र की जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही शांति के साथ इस निर्णय को स्वीकारा है. सभी लोगों ने प्रयास इस निर्णय के का स्वागत किया है और यही भावना आगे भी बने रहे और किसी भी प्रकार से कोई ऐसी अभिव्यक्ति न हो कि जिसके चलते किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे यह हम सभी को निश्चित रूप से समझकर इसके अनुरूप ही अपना बर्ताव करना होगा. मैं फिर एक बार इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. धन्यवाद.